शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड इंटर का परीक्षाफल घोषित होते ही विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। कोरोना काल के चलते सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस साल परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराया गया था। इसी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने इस बार सभी 12वीं के विद्यार्थियों को 100% उत्तीर्ण कर दिया। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के चेहरे पर पास होने के बाद अलग ही मुस्कान देखने को मिली। साथ ही विद्यार्थियों का कहना था कि अगर परीक्षाएं होती तो और अच्छा होता, पर जो रिजल्ट है हम उससे बहुत खुश हैं। मुरादाबाद के KCM, दिल्ली पब्लिक स्कूल, RRK स्कूल, गांधीनगर पब्लिक स्कूल, PMS स्कूल आदि स्कूलों में पहुंचकर बच्चों व अभिभावकों ने अध्यापकों का मुंह मीठा कराया और शुभकामनाएं दी। आप जो ये पास हुए हो, किसकी बात हुए हो, आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी क्या क्या खुश है? हमारे स्कूल टीचर से बहुत बड़ा हाथ है, कोचिंग टीचर, स्कूल टीचर का हाथ है, सब टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया। आपका नेम पढ़िए। आपने कौन सी क्लास के पेपर दिए थे यहाँ पे? किस क्लास के आपने पेपर दिए थे? हमने 12th क्लास के पेपर दिए थे। हमारा आज रिजल्ट आया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारा। हमारे स्कूल टीचर्स का हाथ है इसमें, जिन्होंने हमें पैंडेमिक में पढ़ाया, कोविड के टाइम पे भी ऑनलाइन पढ़ाया, पूरा ध्यान दिया। और हमारे कोचिंग टीचर जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, इन सबका हाथ है और इससे हमारे बहुत अच्छी पढ़ने का। तो आप आगे क्या करने का विचार हो आपके इसके बाद? मैंने तो अभी ग्रेजुएशन ही सोचा है, BCom ऑनर्स और साथ में कोई कोर्स कर। अपना रिया बिश्नोई एंड हमारी स्कूल मई ऑफ आर टीचर्स हेल्प अस इन द कोविड टाइम्स एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई सिक्योर ऑल द गुड मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम एंड ऑल्सो माई कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर्स ऑल्सो गाइडेड मी वेरी वेल, सो आई एम वेरी मच हैप्पी। मेरा नाम अंशिका है। जैसे एक्सपेक्टेड था कि इस समय जो कोविड की समय प्रॉब्लम है और एक डर का वातावरण था बच्चों में भी और स्कूलों में भी, पेरेंट्स में भी, ऐसी स्थिति में जो इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया वो बहुत ही बच्चों के हित में था, क्योंकि स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो इसके लिए बोर्ड ने पॉलिसी बनाई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर, और उसके अनुसार बच्चों के 10th के भी 11th के भी मार्क्स लिए गए और साथ ही उनके प्री बोर्ड के मार्क्स को भी लिया गया। उसके बेस पर बोर्ड ने हमसे 3 स्टेज में मार्क्स लिए बच्चों के, और उन्हीं मार्क्स की बेस पर फिर उन्होंने बच्चों का रिज़ल्ट कंपाइल किया और मॉडरेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की परिस्थितियों बच्चे जिस स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, शायद ये बेस्ट ऑप्शन था, इससे कि बच्चे अब अपने आगे के करियर ऑप्शंस के लिए चुनाव कर सकें, सही समय पर सही जगह एडमिशन मिले। तो मुझे लगता है कि जैसा मेरा भी बच्चों से और पेरेंट्स से भी बातचीत हुई, सब संतुष्ट हैं, आ रहे हैं लोग, और इससे बेहतर नहीं हो सकता था कि इस कठिन परिस्थितियों में बोर्ड ने ये रास्ता चुना और बच्चों को रिजल्ट्स मिले और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सभी बच्चों को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। दिव्यांशी शर्मा। किस क्लास का रिजल्ट आया है? क्लास 12th का। कितने परसेंटेज आए? 97.4%। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, काम नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अगर ऑनलाइन नहीं होता तो इससे बेहतर आ जाता? हाँ, ऑब्वियसली ऑफलाइन होता तो हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहता उसमें, क्योंकि जब आप फेस टू फेस हम टीचर्स से पढ़ते हैं तो वी कैन क्लियर आवर डाउट्स ऑन दी स्पॉट, और उसमें थोड़ा डिले हो जाता है ऑनलाइन। बट टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो हमारे डाउट्स तब भी क्लियर हुए, बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ, जिस हिसाब से कंडीशंस रहीं उस हिसाब से सही है परफॉर्मेंस। थैंक यू।